थी हिंदू मुस्लिम की, आज उनको बहुत तड़ा तमाचा पड़ा है देश में। अयोध्या ऐसी सीट हम समाजवादी जीत गए। आज आप बताइए राम ने आशीर्वाद किसको दिया? वो कहते थे राम को लाया। राम ने आशीर्वाद किसको दिया? आज बजरंगबली जी ने आशीर्वाद महानी राजा देव जी को दिया, सीना चीर के दिया। बजरंगबली आज मंगल है, मंगल दिन हमारा मंगल हुआ। अयोध्या सीट हम जीते हैं, जो कहते थे हम राम को लाए हैं, आज राम जी ने उनको बता दिया राम को कोई नहीं ला सकता, राम को कोई नहीं ला सकता। देखिए तानाशाही की हार हमेशा होती है, रावण से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं था, रावण से बड़ा धनवान कोई नहीं था, लेकिन उसकी हार इसलिए हुई उसने तानाशाही करी थी, उसने वो कार्य किए थे जो उसको नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उसकी हार हुई। राहुल गांधी जी को जो पप्पू कहते थे, आज उन्हीं पप्पू ने चप्पू चला दिया। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हो सकता है कल शाम तक हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, कल शाम तक नतीजे कुछ और होंगे। देखिए मुद्दों का फर्क पड़ा, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब का फर्क पड़ा, इसलिए जनता ने हमको चुना, चुन के भेजा। और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी की सिधाई, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के लिए अब बहुत ही बीजेपी प्रवक्ताओं ने अपशब्द बोले, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में चेंज नहीं किया, वो संयम से बात करते रहे, लेकिन उनकी सबकी भाषा शैली बहुत ही खराब थी। देखिए जो राम के व्यापारी थे वो सब हार रहे हैं, जो नकली राम थे जितने वो सब हार रहे हैं, हम लोग राम के पुजारी हैं, हम लोग जीत रहे हैं। वो जो राम को धंधा बना रखे थे, देख लीजिए वो भी हार गए अयोध्या में, ठीक है। जो नकली राम थे मेरठ में वो भी हार गए, ठीक है। और जहाँ पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था वहाँ भी हम मोहनलालगंज जीत रहे हैं, लखीमपुर में आप देख लीजिए उनकी थार पंचर हो गई, समझ गए। तो इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से सरकार बना रही, और अभी हमारे नीतीश चाचा भी आ रहे हैं कुछ देर बाद, खबर आएगी। ये देखिए भाजपा हारी अपने घमंड से, भाजपा न किसानों की सुनी, न नौजवानों की सुनी, न महिलाओं की सुनी, वो अपने तानाशाह वाला रवैया अपना रही थी, वो अडानी अंबानी के अलावा किसी को देख नहीं रही थी, किसी को नहीं देख रही थी। आप लोगों पर भी उसने पाबंदी लगा दिया था, जो आजादी थी उसको छीन लिया था, मगर ये नहीं जानती थी कि आप सबके सहयोग से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में नंबर वन पे है इस समय। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे, अत्याचार पे, किसान विरोधी नीतियों पे जनता ने वोट किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और हमें एक बात यह कहना कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ तोतले नेता जो कि इंडिया कहने में शर्माते थे, कल से सही सही इंडिया कहने लगेंगे। वो इंडी नाम लेकर के आज तक पुकारते थे, इतना अहंकार और घमंड जनता बर्दाश्त नहीं करती है। जनता ने आपको बहुमत दिया था, आपको युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए दिया था, ना कि अडानी अंबानी के लिए दिया था कि उनको बढ़ावा दीजिए और गरीबों को खत्म करिए देश से।